हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज बहुत लेट हो गया, बट फिर भी सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस। आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, स्वीट स्वीट आए, सब कुछ अच्छा हो। तो टॉपिक वही हमारा, क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। कौन कौन मराठी, यहाँ पे मराठी में बोलते हैं ना, तिळगुळ घ्या गुड़ गुड़ बोला। यस, सभी लोग अच्छे अच्छे रहो, स्वीट स्वीट रहो, स्वीट स्वीट बातें करो। शुरू करते हैं रीडिंग। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू, क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। जाके जा माइकल आपको कॉल करते हैं, प्लीज आइए, हमसे जुड़िए और जानना चाहते हैं जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स हैं क्या है। बहुत 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 आ रहे गाइस, तो आए थे नाइट ऑफ फैंट्स, हेरोफैंट आना चाहते हैं, या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है, टीचर है प्रोफेशन से, एक अच्छी पोजीशन पे जहाँ पे लोग इनकी सुनते हैं, ये लोगों को गाइड करते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं ये पर्सन। रिश्ता आपके साथ भी मैरिड हो सकते हैं, बट बहुत सारी बाउंड्रीज हैं इनके सराउंडिंग भी। अगर ये मैरिड है तो वहीं से बहुत बाउंड्रीज आ रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। किसी की फैमिली मानती नहीं है आपके साथ रिश्ता, बट ये पर्सन झगड़ रहे वहाँ पे क्योंकि इनको यूनियन करनी आती है। अकेले फील कर रहे हैं ये पर्सन, आप भी कहीं और मैरिड है, ये पर्सन भी कहीं और मैरिड है, एक तो ये बात है, नहीं तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है कहीं और वहाँ से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ये पर्सन को आपके साथ और उनके मैरिज रिलेशनशिप के साथ रिश्ता बैलेंस करने में दिक्कत हो रही, कठिनाई हो रही है, हार्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पे। या तो ये पर्सन आपके साथ मैरिड है बट स्टिल ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के पर्सन लगता है कि आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में या फिर कमर्शियल रिलेशनशिप में चले गए हैं। तो वहाँ पे इस पर्सन के लाइफ में कोई एक डोमिनेटिंग फिगर, एक महिला है जो बहुत कंट्रोलिंग करती है, तो वहाँ पे थोड़ी इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ रिलेशनशिप में इस पर्सन को आगे जाने के लिए। ये पर्सन यूनियन तो चाहते हैं, यहाँ पे किसी किसी के लिए हो सकता है पर्सन मैरिज कमिटमेंट तक ही रिश्ता लेके जाना चाहते हैं, बट इनकी हो सकता है इनकी फैमिली मान नहीं रही आपका रिश्ता, किसी की फैमिली से दिक्कत है, कहीं तो हो सकता है ये पर्सन कहीं और मैरिड है इसीलिए इनको बैलेंस करने के लिए दिक्कत हो रही है। आप भी अपने मैरिड रिलेशनशिप में हो और ये आसान तो आपके लिए भी नहीं हो रहा है कि इस पर्सन से मिलना, बट ये पर्सन इसी वजह से ना हो सकता है हार्ट ब्रेक की एनर्जी। आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली थी और आपके पर्सन हो सकता है सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स, और इसीलिए एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी इस पर्सन ने आपको दी है, या फिर अभी भी शायद आप इस कनेक्शन में इस एनर्जी में हो। बट बात कोई भी हो, बट ये पर्सन अब आपके साथ मिलना चाहते हैं, ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं। ऑलरेडी आप मैरिड है और आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आप एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी से गुजरे हो, तो ये पर्सन उस एनर्जी से निकलकर आपसे यूनियन करना चाहते हैं। अब उन लोगों के लिए मुझे ये बात लग रही है कि या तो ये पर्सन कहीं और कमिटेड मैरिड रिलेशनशिप में है या फिर इनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो वहाँ पर झगड़े बहुत हो रहे इस पर्सन के, और इनको उनकी फैमिली को मनाने के लिए इस पर्सन को काफ़ी कुछ आर्गुमेंट करना पड़ रहा है। और कभी कभी आपके पर्सन अगर उनको लगता है कि शायद इनका स्ट्रगल, इनकी फाइट आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इनसफिशियंट है, या फिर ये आपके उनकी फैमिली इनके ऊपर हावी होती है, तो आपके पर्सन को लगता है कि शायद ये अपॉर्चुनिटी शायद आपसे मिस हो जाएंगे मैरिज रिलेशनशिप। इनके फैमिली अगर इनको ऊपर प्रेशर कर रही हैं कि कहीं और किसी रिश्ते में और जाओ, कहीं और फैमिली के लिए रिश्ता दिखा रहे हैं, तो आपके पर्सन को ऐसे वक्त लग सकता है कि शायद आपको फिर से सैक्रिफाइस करना पड़े। बट ये एनर्जी बहुत छोटी लग रही, बहुत कम लग रही है मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यही है कि इस पर्सन को आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, इनको आपके साथ यूनियन में आना, इनको बैलेंस करना है। बहुत सारे हो सकता है ट्रस्ट इश्यू भी हैं, ये थर्ड पार्टी की वजह से आपकी ओर से भी ट्रस्ट इश्यू इस पर्सन को जा रहे हैं, आप भी इस पर्सन के ऊपर इतना आसानी से भरोसा नहीं रख रहे हैं।
अगर आपकी कम्युनिकेशन होती भी है तो उसमें काफ़ी सारे यही बात आती है कि एक ट्रस्ट इश्यूज आपको इस पर्सन को लेकर है। इसीलिए अगर मैरिड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आप अपने स्पोर्ट्स पे उतना भरोसा नहीं रख रहे। तो हालांकि इस पर्सन को करना है रिकन्सिलेशन, करना है बाहर जाना है, घूमना है, टाइम इन्जॉय करना है आपके साथ, बट ये ट्रस्ट इशू आपकी ओर से जा रहे हैं, आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, इसलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायूस होती हुई मुझे दिख रही है। हाँ, नाइट ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड मी। जी, नाइट ऑफ फैंड्स डिटैच करके रखा है इस पर्सन के लाइफ में, ऑलरेडी फीमेल है जिनको बहुत मैनिपुलेट करते हैं, और एक आप हो जो इन्होंने इनको आपने डिटैच करके रखा है। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है एंजल, ये पर्सन अट्रैक्ट तो बहुत है आपसे, एक आपको अच्छा मानते हैं, वेल ब्यूटी है, केयरिंग नर्चरिंग नेचर है, आप समझदार हो, ब्रिलियंट हो, फाइनेंशियली आप अच्छा ग्रो कर रहे हो। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है, जी पर्सन तो प्यार आप इसे करते हैं, अनकंडीशनल प्यार ये पर्सन आप इसे करते हैं, आपके साथ ही पर्सन मैरिड है और कहीं भी और मैरिड है, बट मुझे वो बात यही मुझे मैसेज आ रहा है कि अगर ये कहीं मैरिड भी हैं, आपके साथ भी मैरिड है, आप कहीं और मैरिड है, बट ये जो अनकंडीशनल वाला प्यार है ये आपके पर्सन आप इसे करते हैं। और नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी की, नाइन ऑफ फ्रेंड्स, सॉरी मैंने नाइन ऑफ सोर्स क्यों बोला भाई, इतनी एनर्जी नाइन ऑफ फ्रेंड्स के लिए, जी इनके लिए ये जो ट्रस्ट इशू हो रहे हैं ना, इसकी वजह से इस पर्सन को रिश्तों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जितने मैसेज आए मैंने उतना ले लिया। ये पर्सन देखिए, या तो आप एक हीलिंग के एनर्जी में हो, आप ऑलरेडी हीलर हो, या फिर इस पर्सन की इंट्यूशन आपको लेकर बहुत स्ट्रांग हो गई है। ये पर्सन मानते हैं कि आप एक नॉलेजेबल विजडम वाले पर्सन हो, कुछ हील करते हो, लोग जब भी आपसे मिलते हैं तो आप लोगों को हील करते हो, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, पर्सन बहुत अच्छा समझ रहे हैं अभी आपको। पहले शायद इस पर्सन ने आपको इतना एक्नॉलेज न किया हो, बट अब ये पर्सन आपको बहुत एक्नॉलेज करते हैं। बट अब क्या है ना कि आप तो हो ग्रो हो गए हो, आपने एक मुकाम अपनी लाइफ में हासिल कर लिया है, बट आपके दिल में जो ट्रस्ट इश्यू इस पर्सन को लेकर है ना, वो शायद अभी भी है, और इसके ऊपर ये पर्सन काम करना चाहते हैं। कुछ इंट्यूशन इस पर्सन को आपको लेकर कुछ ना कुछ हुई है। फिर आपको अपनी एनर्जी क्यों है, ये पर्सन आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, पर्सन सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड है आपसे, और एक पर्सन ये कॉन्फिडेंटली एक्शन आपके टूवर्ड्स लेना चाहते हैं। जी हाँ, आपका इनका डिस्टाइन कनेक्शन है इस पर्सन को लग रहा है, और इसीलिए पर्सन अब किसी से भी झगड़ा करने के लिए रेडी है, किसी से भी आर्ग्यूमेंट करने के लिए रेडी है। अगर लोग आपके रिलेशनशिप में कॉम्पिटिशन ला रहे, कॉम्प्लिकेटेड बना रहे, तो इसके ऊपर ये पर्सन काम करें, क्योंकि इनको पता चल चुका है, इंट्यूशन इस पर्सन को हो चुकी है कि आपका और उनका एक डेस्टाइन कनेक्शन है। यहाँ पर फैमिली की एनर्जी आई है गाइस स्ट्रांगली, या तो ये आपसे मैरिड है, नहीं तो ये कहीं और मैरिड है, नहीं तो ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं, भले इनके फैमिली से या कहीं और से कितनी भी डिफ़िकल्टीज क्यों ना आए। देखिए, एक शुरुआत तो करना चाहते हैं। ये पर्सन भी आजकल डिवाइन को मानने लगे, आपका रिश्ता एंजल से ब्लेस्ड है, एक सर्टन टाइम की वेट कर रही है पर्सन, एक है इनको लगता है कि शायद आप इनसे आपका इनसे बहुत मेंटली आप बहुत दूर चले गए, इमोशनली आप इस पर्सन से दूर चले गए हो, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है। इसके ऊपर ये पर्सन काम करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है, पर्सन खुद भी यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, डिवाइन एनर्जी पे अब अपना फेथ बनाकर चल रहे हैं। दूरियां तो आपके रिलेशनशिप में मैं दिख रही हूँ, क्योंकि किसी एक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी आपके रिलेशनशिप में, या तो थर्ड पार्टी, या तो इनके पेरेंट्स, या फिर कुछ और भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपका रिश्ता ख़राब करने की काफ़ी कोशिश की है। हो सकता है थ्री मंथ थ्री वीक पहले शायद आपके लाइफ में ये सिचुएशन हुई हो, 3 to 4 months की बात नहीं कर रही हूँ, बट इस पर्सन को इतना लग रहा है कि कोई डिवाइन की गाइडेंस इनको मिल रही है, या फिर एंजल से या फिर डिवाइन से आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन किया जाएगा, डिवाइन की हेल्प आपकी रिलेशनशिप को मिलेगी, और एक शुरुआत आपकी रिलेशनशिप में होगी। ये पर्सन भी डिवाइन की डिवाइन का हस्तक्षेप जैसा हो आपके, और डिवाइन की ब्लेसिंग हो, इसकी राह देते हैं ये पर्सन। और फ्रेंड्स की एनर्जी की है जो, जी ये पर्सन अपोलॉजी चाहते हैं आपसे, कुछ गलत इस पर्सन ने गलत बिहेवियर किया था, वही थर्ड पार्टी की वजह से कोई ना कोई मुझे चीज़ें लग रही हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आपका हार्ट ब्रेक बहुत हुआ है, और इस बात के लिए पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी की है जो,
ये पर्सन इस रिलेशनशिप में काम तो करना चाहते हैं, अपने फाइनेंस के ऊपर भी ये पर्सन फोकस्ड है और इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। एक कॉन्फिडेंट है ये पर्सन आपको लेकर अभी, और आप में जी हाँ, आपसे मैरिड है ये पर्सन। काफ़ी सारे लोगों की ये बात हो रही है कि आपसे मैरिड है और उन्होंने अपने लाइफ में कोई थर्ड पार्टी लाई थी जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक आपका हुआ है, बट अब ये पर्सन ये सारी बातें सुधारना चाहते हैं। ये कहीं भी है ना, बट थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन का भी हार्ट ब्रेक हुआ है गाइस। इन्होंने कोई थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप में लाई थी, अब ये कहीं मैरिड अनमैरिड कोई भी हो, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जिसकी वजह से या तो आपका हार्ट ब्रेक इन्होंने किया है या फिर इनका भी वही हार्ट ब्रेक हुआ है। और अब ये पर्सन को इतना रियलाइज हो रहा है कि जब आप इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था तो इनका आपको भी कितना पेन हुआ था, इसीलिए इनके इतने ग्रजे से लेफ्ट अलोन फील करने की एनर्जी, अकेले होने की एनर्जी, अपोलॉजी की एनर्जी, स्टार्टअप की एनर्जी ये बार बार आई। न्यू बिगनिंग के कार्ड आई यहाँ पे गाइस, यहाँ पे 11 11 फोर ऑफ फैंड्स की एनर्जी आई यहाँ पे, तो मुझे लगता है ये ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी मुझे लग रही है, चैरिट की भी एनर्जी, इट्स अगेन अ ट्विन फ्लेम कार्ड। एक विश फुलफिलमेंट इस पर्सन को लगती है, आपके साथ ये पर्सन डेफिनेटली दुनिया घूमना चाहता है, जैसे कि इस पर्सन की दुनिया आपको व्हील ऑफ फॉर्चून वर्ल्ड में देखते हैं, आपके लिए अभी एनर्जी निकलती है आपके पर्सन की, तो मुझे हमेशा ये नोटिफाई होता है कि जैसे कि इस पर्सन की दुनिया आपको डेस्टिनी में आपको डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है और वही एनर्जी इस पर्सन इस वक्त आपको लेकर फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। प्लीज गाइड मार्किंग जमाकर जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है जी। मैनिफेस्ट करेंगे ये आपको, स्टेबिलिटी देंगे आपके साथ रिलेशनशिप में जी। झगड़े तो ये यहाँ पे है, आर्ग्यूमेंट तो होंगे आप दोनों में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे ये पर्सन क्या है, अच्छे से तो नहीं ये शब्द हुए हैं क्या है अपने दोनों के उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स। चीटिंग कौन है भाई, सडनली लॉस होता हुआ दिख रहा है, फाइनेंस और बातें संभल कर रखो, झगड़े होंगे, चीटिंग की वजह से झगड़े होंगे जी। आप तो भाई इनसे मैरिड है आपके फैमिली है, बच्चे हैं, डिटैच करेंगे, स्ट्रेस एंजाइटी गिल्ट अगेन वेटिंग ऑन, इसकी एनर्जी आ रही है। क्या है एनर्जी फिर राइड में जमा के, ठीक है जो विदर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू भाई। कोई तो चीटिंग की एनर्जी के साथ आ रहा है, स्टेबिलिटी होंगी अगेन चैरिट, शुरुआत भी होगी सब, ओ गॉड संभल कर रहो यही बोलूँगी। थर्ड पार्टी में ये पर्सन आपके साथ रहेगा, थर्ड पार्टी को लेकर भी रहेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अगर आपने जस्टिस की मांग की, अपने लिए कोई मांग की तो एक सडनली लॉस आपका होता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियल लॉस होता हुआ दिख रहा है। जताएगा ये पर्सन जैसे इसकी दुनिया आप ही से सब कुछ जुड़ा है, आप ही सब कुछ हो, जताएगा बट असल में है नहीं बातें। थर्ड पार्टी को भी बाय दी बाय ये पर्सन वेटिंग जोन पे रखेगा, बहुत स्ट्रेस एंजाइटी पेन आपको इस पर्सन से मिलने वाली आगे चलकर, फिर से एक हार्ट ब्रेक है, फिर से एक लॉस है, फिर से एक चीटिंग है। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है जो
जो आता है गाइस वही बोलूँगी, शुगर कोट बातें नहीं होंगी। अगर आपके लिए कोई वार्निंग मैसेज आता है तो जस्ट कुछ अच्छे व्यूज़ के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, भाई मैं तो ये बात नहीं बोलने वाली। जो मैसेज मुझे पिक होते, जो आपको वार्निंग मैसेज मुझे देने, क्योंकि मैं समझती हूँ आपको मेरे फैमिली का हिस्सा, तो ऐसे तो कोई नहीं चाहेगा कि कोई गलत हो रहा है, कोई उसको वार्न ना करे, ऐसा तो कभी नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे आपको जो आएगा वही आपको सुनने के लिए मिलेगा। आपको थोड़ा ओपन हार्टेड होकर सुनना है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में इतनी टॉक्सिसिटी है तो ये आपका तो फर्ज बनता है कि हर गलत बात, हर वार्निंग मैसेज आप गौर से सुने। सिर्फ अच्छा सुनने के लिए नहीं आना, क्योंकि अच्छा सुनकर अगर कोई वार्निंग मैसेज आप इग्नोर करते हो तो ये आप अपने साथ बहुत गलत करते हो। इसीलिए कम से कम भाई मेरे जैसे बहुत सारे रीडर हैं जो सही बात बोलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, और इसकी परवाह नहीं करते हम लोग कि क्या ये आता है क्या नहीं आता है। काम है, गाइडेंस आती है तो देखेंगे। यहाँ पे मैजिशियन विथ हाई प्रिस्टेस, देखिए सेवन ऑफ सोर्ट्स अगर मैं देख रही हूँ, मैजिशियन में देख रही हूँ और हाई प्रिस्टेस में देख रही हूँ, आपके ऊपर किसी और कोई स्पेल हो सकता है, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको अपने बस में करने के लिए। और यहाँ पे आपके पर्सन इन्वॉल्व मुझे लग रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर ये बातें आपके साथ होगी। या तो थर्ड पार्टी करेगी, इनडायरेक्टली आपके पर्सन भी इसके साथ है, इसकी इंटेशन आपको भी कहीं ना कहीं है। विनो पेंटेकस की एनर्जी की है, क्योंकि लॉस आपका हो रहा है, इसीलिए मुझे जी हिडनली बहुत छुपी हुई बातें गई, सबको पता नहीं है। आप दिखा हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ, ये बात आपसे होने वाली है। बहुत आपके पीठ पीछे या फिर आपसे छुपा कर हिडनली बहुत कुछ बातें जा रिलेटेड पेंटेकस है, मनी है, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए शायद ये पर्सन आपसे जुड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे नेक्स्ट एक्शन में कोई लव वाली एनर्जी नहीं आई है, नेक्स्ट एक्शन में मुझे पेंटेकल एंड चीटिंग वाली एनर्जी आई है, स्टेबिलिटी आई है। आप ऐसे पर्सन हो, आपके साथ आपके पास सब कुछ है, हैप्पीनेस एक एक सत्ता है आपके पास, एक पावर है, और ऊपर से आपका नेचर बहुत केयरिंग नर्चरिंग है। आप आसानी से किसी को भी माफ़ कर देते हो, किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हो, और अपना अनकंडीशनल प्यार आप उनको भी सर्व करते हो, इसी बात का कोई फायदा उठाएगा। फाइव पेंटेकल्स की हैं, सॉरी फाइव पेंटेकल्स क्यों बोल रही हूँ आज मैं, फाइव ऑफ पैंट्स की हैं। एग्जैक्टली जो बोल रही हूँ वही है। बहुत झगड़े होंगे, आर्गुमेंट होंगे, क्योंकि वही आपको एनर्जी मिलने वाली है, पेनफुल एंडिंग की एनर्जी, धोखा, बिट्रेल, चीटिंग, हर्टफुल, सब कुछ लुटा के लेके जाना, मरने के लिए आपको छोड़ के जाना, ये वाली एनर्जी है। सब संभल कर रही है, आर्गुमेंट तो बहुत होंगे, सब कुछ निकलने के बाद ही पसंद क्या करेंगे ना, बहुत झगड़ा करेंगे, छोटी छोटी बातों से आपके आपके हर छोटी सी मिस्टेक रहेंगी उसको राइट का पार्ट बनाएंगे, आपको एक गलत व्यक्ति, गलत पर्सनैलिटी प्ले करेंगे, क्योंकि इनको जाना होता है आपको छोड़कर। आपसे जितना निचोड़ना था उतना निचोड़ लिया, चलो भैया यहाँ से कल्टी मारो, निकलो, थर्ड पार्टी है उसके पास जाओ, ये बात होती है। क्योंकि ये बात सच में है, मैंने सुनी है ये बात, कि जब तक आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो आपके 100 गुने माफ़ होते हैं, आपकी हर अदा को माना जाता है कि भाई एक अदा है, आपकी हर मिस्टेक को अदा माना जाता है। और जब रिलेशनशिप ब्रेकअप के एनर्जी पे होता है तो आपकी वही अदा इनके लिए खता बन जाती है, फिर वही रीजंस आपके खिलाफ ऑर्डर किए जाते हैं। ये वाला सीनियर आपके साथ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपको तब तक नहीं लगेगा कि ये पर्सन आपकी ये बातें आपके खिलाफ यूज़ करेगा, बट जब फ्यूचर में जाएंगे और इनको एक मतलब से ये पर्सन आपसे जुड़े रहेंगे और आगे चलकर ये बात करेंगे, तो ये बातें आपके लिए बहुत गलत साबित हो सकती हैं। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी की है, मैं बोल रही जो बिगनिंग हो रही है उसी के उसी में चीटिंग है। सेवन ऑफ सोर्स एक चीटर का कार्ड है, और जो पर्सन अगर ये जताता है कि इसको आपके साथ एक नई बिगनिंग करनी है, एक स्टेबल फाउंडेशन आपके साथ करनी है, बिगनिंग जो पर्सन ये करेगा एक परमानेंट स्टेबिलिटी आपको देगा, ऐसा कुछ सब कुछ जता के ये पर्सन आपके साथ शुरुआत करेगा। गाइस थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि इसके दिल में चोर है, ये यहाँ पे मैजिशियन ही आया था, अनफोल्ड हुआ था, मैजिशियन दो बार आया था, कंट्रोल करेगा ये पर्सन, गलत एनर्जी के साथ ही आ रहा है ये पर्सन, यही बात है।
वैसे इतने कार्ड आए, मुझे लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, पर ले लेते, शायद किसी के लिए ये बात होगी। बहुत सोच विचार के साथ ये पर्सन कुछ ना कुछ, देखिए यहाँ पे मैजिशियन हाई प्रिस्टेस, आप अगर मानते नहीं हैं ट्रस्ट इश्यू आपकी एनर्जी में, करंट एनर्जी में आ रहा है कि आपको इस पर्सन को लेकर ट्रस्ट इश्यू है। यदा कदाचित अगर आप इस पर्सन के बहकावे में आते हैं, क्योंकि ये पर्सन कोई स्पेल, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई स्पेल, कोई एनर्जी हीलिंग का सहारा लेकर आपको इमोशनली या फिर साइकोलॉजिकली आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, आप तो सोचेंगे बहुत, यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत है, और धीरे धीरे करके आप इस पर्सन के साथ शुरुआत करेंगे, यूनियन में आप आएंगे। अब ये रिवर्स आए तो इसको मैं अभी रिवर्स ही लूँगी, हालांकि मैं ज़्यादातर रीडिंग में रिवर्स कार्ड लेती नहीं हूँ, पर जहाँ पर ज़रूरत होती है कि लेनी चाहिए। यूनियन आपका इस पर्सन के साथ होगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, बट ये रिवर्स है। इस यूनियन में, इस आगे बढ़ने में फिर एक गलत चीज़ है कि एक टावर मोमेंट है, सेपरेशन है। जैसे कि कोई बहुत प्लांटिंगली, कोई बहुत सोच समझ कर ही आपके साथ यूनियन कर रहा है, ये बात आ रही है। कोशिश ये पर्सन आपके साथ करेगा, रिश्ते में कोशिश होगी, आपसे शुरुआत होगी, बट एक लॉस के साथ होगी। अब यहाँ पे एक किसी के लिए एनर्जी आ रही है कि ऑलरेडी ये किसी के साथ या तो सीनियर हो गया है, एक नेक्स्ट एक्शन में भी ये बात हो सकती है। बहुत कम लोगों, 10 या 20% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आपका रिलेशनशिप ब्रूटली ब्रेकअप हुआ है, इस पर्सन ने बहुत आपका लॉस किया है, आपका बहुत कुछ यूज़ किया, जैसे मनी, इमोशंस, प्यार, सब कुछ इस पर्सन ने यूज़ कर लिया है, और अब शायद हो सकता है कि इस पर्सन को ये पूरा लॉस भरना है, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ एक शुरुआत करेगा यूनियन। क्योंकि मैं क्यों नहीं बहुत श्योरली होकर बोल रही हूँ, टू ऑफ कप एंड एट ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी ये रिवर्स में आई है, इसीलिए जो आप भी चाहते हैं, आप भी मैनिफेस्ट करते हैं इस पर्सन के साथ एक शुरुआत हो, बट ये यूनियन रिवर्स में जाता हुआ दिख रहा है और वो लॉस के साथ आ रहा है। इसीलिए मैं आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस एनर्जी कि ये सच में किसी की लॉस के साथ एक अच्छी बिगनिंग होगी, बट अगर ये किसी के साथ रेजोनेट हो सकती तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैं 80% एनर्जी को यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको मैं बोलूँगी, किंग ऑफ सोर्स, जी वही मैं बोल रही हूँ। फैमिली है, फाइनेंस अच्छा है, स्टेबिलिटी है, इसीलिए ये पर्सन जुड़ेगा, इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली जुड़ेगा। अब ये पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकली डील करेंगे आपको, इंटरेस्ट को क्लैरिफाई करेंगे प्लीज। जी यहाँ पे हार्ट ब्रेक होगा, ये दो बार एनर्जी आ रही है, इसीलिए आई एम नॉट श्योर एट दिस कार्ड एट दिस एनर्जीज, बट हो सकता है किसी के 10-20% चेंज होगा, बट अगर ऐसा भी होता है ना, फिर भी उन लोगों का भी आगे दिल टूटने वाला है गाइस, और थर्ड पार्टी है इस पर्सन के लाइफ में, थर्ड पार्टी है। अगर ये कहीं और मैरिड है तो ये अपने मैरिज कमिटमेंट को नहीं छोड़ने वाले हैं, ये आपको सेक्रीफाइस करेंगे। अगर आपके साथ मैरिड है तो ये आपको सेक्रीफाइस करेंगे थर्ड पार्टी के लिए। हैंगमैन, ये रिश्ता ऐसे लटक के रहेगा, यहाँ पे किसी के हेल्थ इशू होने वाले हैं जी, बहुत स्टबर्न नेचर है पर्सन का, इगोस्टिक रहेंगे। किसकी एनर्जी आ रही इतनी, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी संभल कर रहिए, बहुत स्लीपलेस नाइट, यहाँ पे हेल्थ की प्रॉब्लम को हेल्थ का एक कार्ड बोल रहा है। मेजर हेल्थ इशू आप दोनों के, आप लोगों के हो सकते हैं। 4 की एनर्जी आ रही है, 4 वीक 4 मंथ का टाइम मुझे लगता है, 4 डेज किसी का अगर बहुत ही ज़्यादा चल रहा है प्रॉब्लम तो 4 डेज, थोड़ा संभल कर रही है, सिचुएशन आपको लटका सकते हैं, आगे चलकर आप अटक सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन एक बॉसी पोजीशन पे बैठने वाला है, अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ने वाला है। ऐसा पेंटेकल्स क्यों है जो जस्टिस, यहाँ पे किसी का डिवोर्स होता हुआ मुझे दिख रहा है, कोर्ट मैटर चल रहा है किसी का ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के खिलाफ, तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, शायद आपके फेवर में, यस आपके फेवर में वो न्याय होगा। अगर आपके पर्सन आपके लिए भी कोई सोच रहे हैं ना कि डिवोर्स दे के ये करेंगे, या फिर डिवोर्स के लिए पर्सन आपको इतना परेशान कर रहे, तो ये आपके फेवर में आएगा। अगर आपके बच्चे हैं तो हो सकता है बच्चों के कारण ये पर्सन वो उस एनर्जी में ना जाए जो एनर्जी ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। हेड ऑफ सोर्स, लीगल मैटर, जिसकी वजह से पेन तो आपको बहुत होने वाला है। एलिगेशन ये पर्सन
जो आपने एक्सपेक्ट ना किया वो एलिगेशन से पर्सन आपको फ्यूचर में देने वाला है जी। अलर्ट रहिए, जितना ही मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे आपको सच सुनने के लिए मिलेगा। अगर आपके लाइफ में ये सीनियर है तो भाई ये आपको तो सुनना ही चाहिए। ऐसा होता है कि हम अगर किसी लवन के रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें उनकी गलतियाँ उतनी गलतियाँ नहीं लगती, हम हर रेड फ्लैग को अवॉइड कर देते हैं। बट जब रेड फ्लैग बढ़ते 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 जब इतना भयानक रूप ले लेती है तब हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए गाइडेंस माइंड में पहले ही होना चाहिए। मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है गाइस, तो इसलिए मैं ना आपका परमानेंट फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का आपके पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। आर्कएंजल माइकल आपने नेक्स्ट एक्शन में तो इतनी ट्रॉमेटिक एनर्जी दे दी है, बट अब मैं जानना चाहती हूँ इसी पर्सन के साथ अगर मेरे दर्शक आगे भी रहते हैं तो इनका फाइनल फ्यूचर क्या होगा, फाइनल एनर्जी क्या होगी रिलेशनशिप की, परमानेंट एनर्जी क्या होगी, रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या होगा, प्लीज गाइड मी। जी हाँ, पर्सन तो उनको शायद काम तो आप ही के साथ करना पड़ेगा, बट यहाँ पे झगड़े तो आगे भी दिख रहे हैं मुझे, आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि बच्चे हैं अगर आपके तो शायद इस वजह से ये पर्सन बहुत कड़ा डिसीजन ना ले पाए। आपको एनर्जी भले देंगे ये स्ट्रेस पेनफुल हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी, डिवोर्स के लिए भी जाएगी बात, बट वो आपके फेवर में कोर्ट डिसीजन देगा। अगर आप चाहते डिवोर्स तो डिवोर्स हो जाएगा, अगर आप चाहते डिवोर्स ना हो तो नहीं होगा। वेटिंग 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 की एनर्जी है, 333 थर्ड पार्टी की वजह से दोनों के रिलेशनशिप में तो ये झगड़े होने वाले हैं। आप लगातार वेट करते रहेंगे कि लाइफ में खुशियाँ कब आएंगे। लेफ्ट अलोन फाइनेंशियल थोड़ा सा वो भी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। अकेले रहेंगे आप इस रिलेशनशिप में, हार्ट ब्रेक तो होगा क्योंकि थर्ड पार्टी रहेंगी गाइस, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, आपको डिवोर्स नहीं देंगे, बट इसका ये आपको ये थर्ड पार्टी को भी लेके चलेंगे। इंटीट्यूटली आपको भी ये बातें पता है। मैं अपने दर्शकों के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए मैं इतना ही बोलूँगी, अगर ये सच में आपके साथ हो रहा है तो आप अपना माइंड सेट बदल दीजिए, प्रैक्टिकल माइंड सेट कर लीजिए। लगातार कोई आपके ऊपर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई स्पेल जैसी बातें करेगा आगे भी जी। इम्प्रेस हो आप, यही ये दो तो एनर्जी बार बार आ रही है, मैजिशियन एंड एम्प्रेस। हीलिंग की एनर्जी लग रही है, या तो ऑलरेडी आप किसी हीलिंग मेडिटेशन हीलिंग स्पिरिचुअल एक्टिविटी से कनेक्ट हो जाएंगे, और जैसे आप वो पावर अपनी एनहांस करेंगे तो देखिए एम्प्रेस की एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हैं। भले ये पर्सन ये मैं बोल रही हूँ अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर दीजिए और इनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए, जस्टिस आपके साथ होगा। अगर कोई लीगल इशू के लिए देख रहा है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि लीगल इशू होगा। डिवोर्स चाहते हैं तो डिवोर्स होगा, बट थर्ड पार्टी है आपकी रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी की लगातार एनर्जी आ रही है। यहाँ पे सेपरेशन डिवोर्स की एनर्जी तो आ रही है मुझे, थोड़ा आप ही आपको ही को स्ट्रांग होना पड़ेगा। बट इसके बाद आपके सामने दो अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप एक अपॉर्चुनिटी के टूवर्ड्स जाती हुई दिख रहे हैं। यहाँ पे लवर की एनर्जी, आपके पर्सन के लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी रहेंगी गाइस, तो थर्ड पार्टी तो वो छोड़ेंगे नहीं, बट एक मुझे रोशनी यहाँ पे दिख रही है मैजिशियन की एनर्जी। कोई कुछ भी करे आपके स्पेल कुछ भी करे, बट मुझे लगता है इस दौरान शायद आप भी किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़ जाएंगे, या तो आप खुद एक मेडिटेशन करके अपनी पावर अपनी एनर्जी एनहांस करेंगे, और जिससे आपका माइंड सेट बॉडी सोल थॉट प्रोसेस जो कोई भी है वो बहुत स्ट्रांग पावरफुल बनेगा। इससे आपके लाइफ में कोई भी सिनेर हो डिवोर्स हो कुछ भी बात हो तो आप हर सिचुएशन के लिए रेडी रहेंगे, जस्टिस यूनिवर्स आपके साथ करेगा। बट इस बार मुझे ये एनर्जी लग रही है एम्प्रेस विद जस्टिस के, अपने लाइफ के लिए जस्टिस खुद ही आप देंगे, आप ही खुद अपने लाइफ में एक दिशा मुझे दिखते हुए दिख रही है। यहाँ पे हो सकता है आपके भी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको आगे चलकर वो प्यार दें, जिस प्यार की वजह से
आपको आपने गलत जगह पे इन्वॉल्व करने से आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है वो एनर्जी रिकवर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, तो कोई एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। बहुत सारे लोग अगर इसी पर्सन से वो चाहते हो अपॉर्चुनिटी आएंगी, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा एक हीलिंग मेडिटेशन इन चीज़ों की वजह से, कि वाइब्रेशन आपके अगर हाई हो जाती है, तो इन चीज़ों से लेकर इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर भी रहेगा। तो यही पर्सन आपसे जुड़ता हुआ मुझे दिख रहा है, बट मैक्सिमम आप तो लोगों के लिए यहाँ पे वैसे ऐसा ऑफ सोर्स की या फिर न्यू बिगनिंग की कोई एनर्जी नहीं आई है, बट जस्ट टू ऑफ फंड देखकर मुझे लगा कि हो सकता है आपके भी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ जाए जिस जो आपको वो प्यार देने के लिए रेडी हो जो कभी आपने इस पर्सन से एक्सपेक्ट किया था। देखते हैं यहाँ पे क्रिया पेंटेकस की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स ऐसा नहीं करेंगे ना गाइस, हाँ आपकी अगर कोई गलती नहीं थी इसके बाद भी अगर आपको इतना पेन सहन करना पड़ा है तो यूनिवर्स आपके साथ भी जस्टिस ही करेगी, बट इस बार आप यूनिवर्स के जस्टिस पे नहीं डिपेंड रहेंगे, आप अपने ऊपर ही रहेंगे। देखिए अब मैं यही एनर्जी ले रही हूँ इसी कार्ड के लिए। एम्प्रेस एंड हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी मीन्स डेफिनेटली एम्प्रेस के ऊपर कोई स्पेल हो रहा है यहाँ पे। एक बात ये सबसे पहला मुझे मैसेज यही आया, दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है थ्री ऑफ पेंटेकल्स विथ एम्प्रेस हाई प्रिस्टेस, आप इन तीनों एनर्जी में आप आने वाले हो, बहुत स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी। एम्प्रेस की दो तीन बार एनर्जी बार बार आ रही है, तो आप इस स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी में आप आने वाले हो। यहाँ पे किंग ऑफ फैंड्स भी है, आप गेन कर लेंगे एनर्जी। आप एक बार आपने एनर्जी गेन कर ली ना गाइस, तो आपको इस पर्सन के बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब ये पर्सन अगर आपके सामने थर्ड पार्टी को अप्रोच करेगा तो आपको उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। हार्ट ब्रेक होगा थोड़ा बहुत, बट आप शायद ऐसा सोचेंगे कि आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी तो आपने कुछ गलत नहीं किया। इस थॉट प्रोसेस के साथ आप स्ट्रांग मुझे होते हुए दिख रहे हैं। एंटीटोल आप बहुत स्ट्रांग होंगे, और अपना साइकोलॉजिकल पावर आप बहुत स्ट्रांग बनाने वाले हो। इमोशनल आप हर्ट होते हो तो इमोशनली कंट्रोल आप अपने ऊपर बना लेंगे, इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे। फाइव ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है इंडिया, फाइव ऑफ फैंस जी हाँ, रिश्ता हद से जा रहा है, झगड़े इतने होंगे तो हो जाएगा जी। हैंड मन यहाँ पे भी आया है और सेवन ऑफ फैंस यहाँ पे है। आप प्रोटेक्ट बहुत करेंगे रिश्ते को, अपने ओर से बहुत कोशिश करेंगे, बट लगेगा आपको कि कोई फ़ायदा नहीं है ये, यहाँ से भाई इसी तरीके से इस तरीके से लाइफ लॉन्ग अटैक नहीं से अच्छा है कि मुझे अब अपने सेफ्टी के लिए कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी। हाँ रिश्ता छूटने का शायद गम होगा, बट एक मेंटेलिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, या फिर इमोशनली आप इस रिश्ते से जाएंगे बट थोड़ा दुखी होकर ही जाएंगे। जो आप फ्रेंड्स की एनर्जी के लिए जी अगेन यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्स गाइस, डेक में अलग अलग ले रही हूँ बट मैसेज वही आ रही हूँ, तो वही बात आ रही है कि एंजल वही बोलना चाहते हैं। ऐसा पेंटेकल विद सेवन ऑफ सोर्स, मैंने क्या बोला था इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में, शुरुआत होगी बट उसमें चीटिंग होगी, प्यार का झांसा देखे ये पर्सन वापिस आपको फंसाने वाले हैं। एक सर्टन वेटिंग के बाद ये पर्सन आपके पास आता है और आपको आपके ऊपर इमोशंस बोलता है, इमोशनली आपने इन्वॉल्वमेंट बताता है और बोलता है कि आप हमें परमानेंट स्टेबिलिटी के साथ एक कॉन्स्टेंटली मतलब लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देंगे इसका वादा करता है, बट इसमें आपका नुकसान है, चीटिंग है, इसके दिल में चोर है, क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी को स्टैंड बाय रख के आया है आपके पास। फाइव ऑफ पेंटेकल्स, ओ माय गॉड क्या क्या मैसेज दे रहे हैं एंजल साहब भी जी। ये पर्सन अप्रोच करेगा बट ये जाएगा भी, एट ऑफ पेंटेकल्स काम करेगा, पेंटेकल्स के लिए आया है, क्वीन ऑफ सोर्स भी आया है, टू ऑफ पैंट भी आया है। मैं यही बोल रही थी ना थर्ड पार्टी को साइड में रखे जाएगा, थर्ड पार्टी इसके साइड में ही रहने वाली है, थर्ड पार्टी इसके साइड में रहने वाली है। वो क्लियरिटी कुछ और देगा आपको, जैसे कि थर्ड पार्टी को मैंने छोड़ के रखा है, बोलेगा कि भाई मैंने डिस्टेंस कर लिया है और अब मुझे इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है, बट यहाँ पे मुझे इंट्यूशन हो रही है कि ये पर्सन आपको अकेला छोड़कर वापस थर्ड पार्टी के पास जाएगा। ये पेंटेकल के लिए पर्सन आपके पास आ रहा है, जो जबकि आप अगर डिवोर्स लेते तो हो सकता है इसको ज़्यादा अलिमेंट नहीं देना पड़े आपको, इसका फाइनेंशियल लॉस होगा, तो इसीलिए पर्सन आपके साथ वो बातें करेगा, ये जुड़ेगा। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है मुझे,
थ्री ऑफ सोर्स को थ्री ऑफ सोर्स ही क्लेरिफाई कर रहा है, ये परफेक्ट मैसेज आते हैं। हाँ देखिए, फिर से भागने की एनर्जी है, दिल तोड़कर भागने की एनर्जी है, फुल बेवकूफ बनाएगा ये पर्सन आपको, ज़्यादा इसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना ही नहीं। अगेन प्यार का, देखिए माफ़ी मांग कर ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से घुसेगा, आप बहक जाएंगे, इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और ये वापस आपका दिल तोड़ के जाएगा। मैजिशियन की एनर्जी को हैंड है, एक रीडिंग में कम से कम 40-50 कार्ड मेरे निकलती होंगे, मैंने काउंट नहीं किए वैसे भी। जय मैजिशियन, बहुत सोचो, सोच समझ कर ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। प्रिया पेंटेकल, जी हाँ, टीम अप बन के, बहुत सोच समझ कर ये पर्सन टीम अप बन के आपके पास आ रहा है और यहाँ पे ठहर जाएगी आपकी एनर्जी, स्टेबिलिटी के लिए आ रहा है ये पर्सन, सोच समझ कर बातें हो रही है। देख रहे हैं इंप्रेस को क्या आ रहा है, इंप्रेस को क्या कौन सा कार्ड क्लेरिफाई कर रहा है। कोशिश कर रही थी गाइस ने आपके लिए कुछ अच्छा मैसेज आ जाए। जी पेज ऑफ पेंटेकल मैच्योर एनर्जी में है, पर देखिए आगे छोड़ के जाने की एनर्जी, जस्टिस क्यों है, जस्टिस जस्टिस जी अटक जाएंगे आपको, ये पर्सन डेफिनेटली किसी न किसी लीगल मैटर में अटकाएगा गाइस, आपका डिवोर्स होगा, थोड़ा भाई लीगल मैटर लीगल इश्यू होने वाले है, इस ये कुछ बहुत गलत एनर्जी आ रही, किसके लिए आ रही आई डोंट नो जी, शुरुआत करेगा, आपको शायद एक दिशा मिल जाएगी यहाँ से निकलने के लिए, ये बार बार एनर्जी आ रही, ये पहले भी मैंने रखा था पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, यहाँ से निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी गर्ल से काम लेना पड़ेगा, ये पर्सन कोशिश बहुत करेगा आपको किसी लीगल मैटर में फंसाने के लिए या फिर उस सिचुएशन के जहाँ से आप कोई एक्शन लेने के काबिल ना हो, इमोशनली फिजिकली इकोनॉमिकली मेंटली आपको हैरेस करने की एनर्जी मुझे इस पर्सन की करंटली मीन्स बिल्कुल क्लियरली दिख रही है, करंटली भी एनर्जी है ये पर्सन की, बट यहाँ से आपको अगर आप थोड़ा बोलते हैं ना करेजेस अब स्ट्रांगली और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप अगर निकलते हैं तो आपको एक रास्ता दिख भी जाएगा, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है यहाँ पर। नाइन ऑफ फैंड्स बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ है, थर्ड पार्टी लेकर आ रहा है ये पर्सन, आपको भी कोई अप्रोच कर रहा है तो इस दौरान तो आप थोड़ा संभल के ही रहिए क्योंकि कोई ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, आपसे कोई गलती हो जाए ये बर्डन वाली एनर्जी हो सकती है, थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर रही है आपके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो। अगेन पेज ऑफ कप एक कोई माफ़ी का नाम लेकर आपके लाइफ में आ रहा है, नाइट ऑफ कप पेज ऑफ कप तो ये बहाना लेकर ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, प्यार 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 करके जाएगा, इमोशनली आपको बेवकूफ बनाएगा और ये अपना पूरा मतलब साध्य करेगा। मैं तो बिल्कुल यहाँ पे बैठ के अभी अलाउ कर रही कि भाई दूरी रहो, ऐसा किसके एनर्जी आई डोंट नो, अब मैंने 4-6 डेक मैंने चेंज कर लिए, वही एनर्जी आ रही है जी। लवर क्यों दिया है फिर आपने, लवर भी 10 ऑफ कप, ये वो पर्सन है जिससे आप प्यार करते हैं, ये वो पर्सन है जिसके आपके साथ शादी है, ये वो पर्सन है जिसने आपको लेके कभी ये नहीं लिया डिसीजन नहीं लिया, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज आपको लेके करने वाला है, जब भी लवर को लवर ही क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एंड 4 ऑफ सोर्स क्लियर कट मैसेज है गाइस, जिसके प्यार में आप हो ना वो आपको इसी परेशानी में डालने वाला है, वो आपको इसी तरीके से हैंग करके स्ट्रक करके आपको एक जगह पे से बांध के बिल्कुल कंट्रोल करके जाएगा, आपके थॉट प्रोसेस को बिल्कुल कंट्रोल किया ये पर्सन बहुत कंफ्यूज करेगा, अगर आप किसी नतीजे पे आते भी हो तो ये पर्सन अपना प्यार अपने फैमिली अपने बच्चे ऐसा कुछ ना कुछ बहाना देकर आपको हमेशा कंफ्यूज करता है, और जब जब आप इससे कंफ्यूज होते हो तब तक आपकी दिक्कतें बढ़ती हैं, आपके रिलेशनशिप में उतने रेड फ्लैग बढ़ते हैं। यहाँ पे अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स व्हील ऑफ फॉर्चून, हो सकता है आपके लाइफ में एक सच में एक अपॉर्चुनिटी आए, किसी का प्रपोजल आए, अगर यही पर्सन आपको अप्रोच करता है तो थोड़ा नहीं बहुत सावध रही है, बहुत अलर्ट रही है, कोई नया पर्सन आपके लाइफ में भी आता है तो मैं बोलूँगी एनर्जी अच्छी नहीं चल रही है, आप अभी किसी को भी कमिटमेंट में किसी के साथ भी कमिटमेंट में न जाए, थोड़ा लिप ऑफ पे थोड़ा टाइम लीजिए और थोड़ा टाइम जाने के बाद अपने लाइफ के बारे में सोचिए। माय गॉड, मुझे एनर्जी निकालनी नहीं चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं मैंने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड कर लिया कि चलो अभी लेट ही से बट मैं एनर्जी निकाल लेती हूँ, किसके लिए मैसेज लियर, जिसके लिए भी मैसेज है आप बहुत समझदारी से काम लीजिए, मैं नहीं चाहती मेरी कोई भी फैमिली मेम्बर
ऐसी एनर्जी में फंसे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आप ऐसे ही लेना है। फेरीज आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं मैं देखती हूँ। गाइडेंस ऑफ फेरीज में नहीं दे रही, बिलीव इन मैजिक वाइज विशली, विश मांगते वक्त देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सी चीज़ें हिडन है जी, इमोशनली हर्ट हो रही हूँ, उनकी एनर्जी लीजिए। विश करते वक्त भी मांगिए, अगर किसी गलत पर्सन के लिए विश कर रहे हो यूनिवर्स मांग लेगा, फिर आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा, लॉस्ट एंड फाउंड हो सकता है जी। गलत चीज़ विश करने से तो यही होगा, इसलिए फेरिस बोल रही है लॉस्ट समझ कर चीज़ें मांगिए। इमोशनली हर्ट हो रहे मून एनर्जी का सहारा लीजिए, म्यूजिक सुनिए, अवेयरनेस लाइफ में आएगी, खुद को हील करने में लगेगा। इस यहाँ पर हीलिंग ही आपको बचा सकती है। मैजिक के ऊपर भरोसा करें, ट्रस्ट विद डिवाइन, सरेंडर टू डिवाइन। जो कुछ भी हुआ है आपके लाइफ में उसके ऊपर मिट्टी डालिए, आगे समझदारी से काम लीजिए। विजडम का एक कार्ड आया है यहाँ पे, म्यूजिक भी आपको हील करता है, तो वो म्यूजिक सुनिए। प्रोटेक्शन लीजिए, आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। कोई लगातार व्हाइट मैजिक ब्लैक मैजिक कुछ तो आपके ऊपर कर रहा है। क्या है फिर इसकी गाइडेंस, एक और गाइडेंस मैजिकल ब्लेसिंग हो रही है, मैजिकल ब्लेसिंग मिलेगी आपको। स्टार गेजिंग जी हाँ, स्टार गेजिंग करना, म्यूजिक सुनना, नेचर में जाना, ये भी हीलिंग के ही टाइप होते हैं। जो भी अच्छा लगे आपको कीजिए, नेचर से आपको साइन मिलते हैं। देखिए बटरफ्लाई दिखना, सडनली किसी बर्ड्स का फेदर आपके साथ आना, तो समझ लेना कि एंजल्स आपके सराउंडिंग है। थैंक यू बोलना उनको, उनसे प्रोटेक्शन मांगते रहना। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।